नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं बी एस उपाध्याय विजुअल फिट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार से स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नए टॉपिक फिर से पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ये फंडामेंटल का एक इम्पॉर्टेंट भाग होता है, यानी खासकर इस पर से ज्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी आपने जो फंडामेंटल के पिछले टॉपिक में आपने देखा था, उसमें मैंने आपको जर्नलिस्ट्स पढ़ाए थे। जर्नलिस्ट के पांच टॉपिक मैंने आपको बताया था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव, यानी पांचों जर्नलिस्ट क्या होता है और उनका स्ट्रक्चर दिखाया गया था, व्यू दिखाया था, उसका डिस्क्रिप्शन आईडी में आपको इन्फॉर्मेशन भी दिया था, उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि जनरेशन के बाद कंप्यूटर को कौन कौन से फील्ड में बांटे गए, यानी कहने का मतलब कि जिस कंप्यूटर से जो हो सकता है उस फील्ड में उसके नाम से उसको जाना गया। यानी जनरेशन के बाद कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया, जिसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर हमारा होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग का मतलब होता है फिजिकल वर्क, यानी भौतिकी कार्य। एक ऐसा कंप्यूटर जो भौतिक कार्यों में काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि दूरियों को मापना, ऊंचाइयों को मापना, गहराइयों को मापना, जैसे जो मेजरमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज मापने का जो कार्य होता है उसको हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, जो मेजरमेंट पर्पज से इस्तेमाल किया जाता था। सेकेंड टॉपिक है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल का मतलब होता है ये डिजिटल चीजों को, मतलब ऐसा नहीं डिजिटल डिजिटल का मतलब आज डिजिटल कंप्यूटर आ गया। डिजिटल का मतलब हमारे जो डिजिट होते हैं, जिस कंप्यूटर में दो डिजिट होता है जिसको बोलते हैं जीरो और वन, उन डिजिट को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। यानी ऐसे कंप्यूटर जो बाइनरी नंबर, यानी डिजिटल जो नंबरों को, डिजिट को काउंट करके आपको इन्फॉर्मेशन भेजा जाता है। जैसे आज हम जो भी कंप्यूटर में कार्य करते हैं, कंप्यूटर को जो भी सूचना देते हैं, उन कंप्यूटर में जो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है नंबरों में, जीरो नंबरों में एक्सेप्ट करता है उसको, फिर उसके अंदर एक्सेप्ट करने के बाद उसमें दो तरह की डिवाइस लगी होती है जिसका नाम है कंपाइलर। वो हमारे शब्दों में उस जीरो और वन को क्या करता है, कंपाइल करके, ट्रांसलेट करके हमारे लैंग्वेज में शो करता है। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर जो नंबरों को क्या करता है, काउंट करता है, उन्हें हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जो आज के क्षेत्र में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल को बेस बनाकर, एनालॉग एंड डिजिटल, यानी एनालॉग एंड डिजिटल बी मर्ज, लॉन्च ऑफ द हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग एंड डिजिटल को बेस बनाकर हाइब्रिड कंप्यूटर लॉन्च किए गए। ये हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह इस्तेमाल की जाती है, खासकर इनका इस्तेमाल मेडिकल लाइन में इस्तेमाल की जाती है, साइंटिफिक लाइन में इस्तेमाल की जाती है। जो भी आपने देखा होगा कि जैसे आज हम जो भी पेशेंट के साथ एक कंप्यूटर अटैच होता है जो बताता है कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, कि क्या इनकी धड़कन चल रही है, नहीं चल रही है, जो ऐसे लाइन की ग्रीड करता है, तो वो जो कंप्यूटर की स्क्रीन दिखाई देता है वो कंप्यूटर नाम क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो साइंटिफिक या मेडिकल पर्पज में ही इस्तेमाल की जाती है। सेकेंड, तो ये आपने जान लिया कि कंप्यूटर के तीन भाग होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एंड क्या किया, हाइब्रिड कंप्यूटर को दो भागों में बांटा गया, एक का नाम रखा गया स्पेशल पर्पज, दूसरे का नाम जनरल पर्पज। तो इस जनरल पर्पज कंप्यूटर हमारे जो जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑफिशियली, उसमें अकाउंटिंग में, एजुकेशन में, पढ़ाने लिखाने में, ऐसे जो कॉमन यूज के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल की जाती हैं, उन कंप्यूटर को हम कहते हैं जनरल पर्पज कंप्यूटर। एंड सेकेंड है आपका स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, ऐसे फील्ड में जैसे मेडिकल साइंस, रिसर्च, एग्रीकल्चर, ऐसे साइंटिफिक फील्ड में जो कंप्यूटर इस्तेमाल की जाती है उनका नाम रखा गया स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। तो ये स्टूडेंट आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं। अगर ये वीडियो समझ में आया है, आपको अच्छा लगा है, तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।